तो वो जो अंतिम वस्तु है, अंतिम रस है, आत्मा की आत्मा, अंतरंगतम रस, वो है ब्रज धाम में, ब्रज में। और बैकुंठ में वहां ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, प्योर ऐश्वर्य का धाम बैकुंठ। इसीलिए बैकुंठ के स्वामी की उपासना शांत भाव से की जाती है। तो ये शांत भाव की उपासना को रसिक लोगों ने निकाल दिया, इसका बायकॉट कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसा रूप नहीं चाहिए हमको अपने प्रियतम का, कि सीरियस होकर के बैठे हैं, गंभीर, पता नहीं क्या मुसीबत आई है, कोई मर गया है क्या कि उसका शोक मना रहे। हमको ऐसी मां नहीं चाहिए, ऐसा बाप नहीं चाहिए, ऐसा प्रियतम नहीं चाहिए। हमको तो वो स्वरूप चाहिए, वैसा प्रियतम चाहिए, वैसी मां चाहिए जो आंखों में प्यार भर करके हमको आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो। तो बैकुंठ में प्योर ऐश्वर्य है, रस नहीं है, रस वैलक्षण्य नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण वही है, ये ध्यान रहे। ये बैकुंठ के स्वामी कोई अलग नहीं है, वही श्री कृष्ण है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, वेद कहता है। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, वेद बार बार कहता है एक ही है सुप्रीम पावर। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, फिर कहता है वेद एक ही सुप्रीम पावर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर या इमान लोका निषत ईश निभि, श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का दूसरा मंत्र। एक तत्व है वो, बस उसके नाम अलग अलग हैं। अरिस्टोटल ने भी कहा है गॉड हैज मैनी नेम्स दो ही इज ओनली वन बीइंग। नाम अनंत है, हुआ करे हैं अनंत नाम, अनंत नाम रूपाय, वेद कहता है, लेकिन सुप्रीम पावर एक है, 10-20 भगवान नहीं हुआ करते, ये याद रखिएगा हमेशा। इसीलिए वो बैकुंठ के जो महाविष्णु है वो श्री कृष्ण ही है, ये सब उन्हीं के अभिन्न स्वरूप है। लेकिन उस रूप में रस वैलक्षण्य नहीं है, ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्योर ऐश्वर्य का धाम है बैकुंठ। और जहां माधुर्य कम और ऐश्वर्य बहुत अधिक, वो धाम है द्वारिका। देखिए नंबर एक बैकुंठ का रस, जहां पर ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, और नंबर दो है द्वारिका का रस, जहां ऐश्वर्य के साथ साथ कुछ परसेंट माधुर्य भी है। वहां भी बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं द्वारिका में भी, जो बताए नहीं जा सकते। भगवान का सुदर्शन चक्र वहां द्वारिका के चारों ओर घूमकर पहरा देता रहता है। रिद्धियां सिद्धियां सब नौकरानियां हैं वहां पर, बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं द्वारिका के भी, लेकिन माधुर्य भी है। आप लोगों ने सुना होगा ना, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जब द्वारिका गए तो सुदामा को चिपटा करके भगवान रोए, और ऐसे नहीं रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। साधारण रूप से नहीं रोए, पानी ले गए चरण धोने के लिए सुदामा के,
लेकिन चरणों को जब हाथ में लिया सुदामा के, तो आनंद के इतने आंसू बहे भगवान की आंखों से कि उन अश्रुओं के जल से ही सुदामा के चरणों का भली भांति प्रक्षालन हो गया। और जब बाद में समाधि टूटी भगवान की, तब उन्हें होश आया, अरे ये मेरी आंख के गंदे आंसू ये ब्राह्मण के चरण पे पड़े। तब फिर परात में रखा उनको। देखिए क्या लीला है, यानी द्वारिका में माधुर्य भी है तो बैकुंठ में प्योर ऐश्वर्य और द्वारिका में ऐश्वर्य के साथ साथ कुछ परसेंट माधुर्य भी है। अब नंबर 3 पे है मथुरा का रस। यहां द्वारिका की अपेक्षा और अधिक माधुर्य है। देखिए मैं फिर से आपको ये बात याद दिला रही हूं कि श्री कृष्ण वही है, ये मत भूलिएगा कि बैकुंठ के श्री कृष्ण कोई और हैं, द्वारिका के कोई और हैं, मथुरा के कोई और हैं, अलग अलग न मान लीजिएगा, वही श्री कृष्ण है। बैकुंठ में 4 भुजा से हैं वो, और द्वारिका में कभी 4 भुजा और कभी 2 भुजा, और मथुरा में 2 भुजा अब कंफर्म हो गई, अब 4 नहीं हो सकती। अरे वैसे तो 4 क्या, वो अनंत भुजा बना ले वो बात अलग है। सहस्र शिरेखा पुरुख सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठत दशांगुलम श्वेताश्वतरोपनिषद 3रे अध्याय का 14वां मंत्र। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं गीता 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी अनंत भुजाएं बना ले, जरूरत पड़ जाए तो 4 क्या, लेकिन लीला के लिए मथुरा में 2 ही भुजा रखते हैं। लीला की दृष्टि से यहां पे निरूपण हो रहा है कि वहां बैकुंठ में 4 भुजा हमेशा, द्वारिका में कभी 4 भुजा और कभी 2 भुजा, और मथुरा में कंफर्म 2 भुजा। तो ये मथुरा में 50% ऐश्वर्य 50% माधुर्य, यानी द्वारिका से अधिक मधुरता मथुरा के रस में। यहां कुब्जा के साथ विहार भी हो रहा, यानी जीवों के और समीप आ गए भगवान, और ये बता रहे हैं कि देखो मेरे लिए शरीर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वरना सोचो कुबड़ी से प्यार करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी कुरूप कुब्जा, उसकी ओर तो कोई संसार का साधारण पुरुष भी नहीं देखता था। जो संसार के ये कूड़ा कबाड़ा मलमूत्र के पिटारे लोग हैं, ये ही नहीं कभी कल्पना करेंगे कि हम इस कुबड़ी से ब्याह करेंगे, कुरूपा से, 3 जगह से टेढ़ी। लेकिन भगवान ने देखो उस टेढ़ी मेढ़ी कुरूपा कुब्जा को भी सुंदरी बना करके उसकी इच्छा अनुसार उसको अपनी प्रेयसी का दर्जा दिया। पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वंगुल्युत्तान पाणिना प्रगृह्य चुबके ध्यात्म मुदनी नमदच्युत। भागवत 10वें स्कंद के 42वें अध्याय का 7वां श्लोक। कुब्जा को भी प्रेयसी बना रहे हैं। ये वो श्री कृष्ण हैं जिनके लिए महालक्ष्मी तड़पती हैं और वो परवाह नहीं करते। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, महालक्ष्मी भी प्रकट हुई थी उससे जयमाला लेकर के, वरमाला लेकर के। अब वहां पर सब ऋषि मुनि योगी
देवता लोग राक्षस सब थे, सब महालक्ष्मी के सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए। अब महालक्ष्मी वरमाला लेकर के सबको देख रही है, किसको पति बनाऊं मैं अपना, ये वरमाला किसको पहनाऊं, और सोचने लगी क्वचित चिरायुर नहि शील मंगलम क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः यत्रो भयम् कुत्र च सोप्यमंगलः सुमंगलः कश्चन कांक्षते न माम। किसी की लंबी आयु तो है लेकिन शील मंगल नहीं है उसमें, और किसी में शील मंगल है तो लंबी आयु नहीं, और एक ऐसा है जिसमें दोनों है, भगवान शंकर की ओर इशारा है, लेकिन वो अमंगल भेष बनाए, मनुष्यों की खोपड़ी की माला और सांप के वो सब आभूषण, कान में बिच्छू के टॉप्स पहने हुए, सब ऊट पटांग उनका हिसाब किताब है, साथ में भूत प्रेतों की बारात, हाँ तो ये गड़बड़ है इनके अंदर, मतलब खीर तो बहुत अच्छी बनी है, उसमें इलायची भी है, केसर भी है, सब चीजें हैं, लेकिन एक मक्खी गिर गई, तो इसीलिए वो भी जचे नहीं महालक्ष्मी को। फिर श्री कृष्ण को देखा, उन्होंने कहा हां ये हर दृष्टि से ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण देख ही नहीं रहे थे महालक्ष्मी को, वो अपना दूसरी ओर देख रहे थे, जैसे पहचानते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कौन हो तुम। तो महालक्ष्मी कहती है कि जिसको मैं चाहती हूं, जिसमें सब कुछ है, वो मुझे नहीं चाहता, वो दूसरी ओर देख रहा है मुझसे न्यूट्रल। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं चाहते तो क्या हो गया, इनका कानून है, जो इनकी शरण में आएगा उसको अपनाना पड़ेगा इनको। तो जा करके जबरदस्ती महालक्ष्मी ने वरमाला पहना दी उन्हें, यानी वो श्री कृष्ण जो महालक्ष्मी की भी परवाह नहीं करते, उनकी ओर भी निगाह उठा करके नहीं देखा, और जिनको अपनाने के लिए महालक्ष्मी तड़प रही है, वरने के लिए जिनको, वो श्री कृष्ण टेढ़ी मेढ़ी कुरूप कुब्जा को सुंदरी बना करके उसको अपनी प्रेयसी का दर्जा देते हैं। यानी ये माधुर्य विशेष हो गया मथुरा में, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य है, 50% ऐश्वर्य भी है माधुर्य के साथ। और इसके बाद आता है ब्रजरस, यहां केवल माधुर्य है, प्योर माधुर्य ही माधुर्य, यहां भगवान की भगवत्ता समाप्त कर दी गई, उनको ये होश ही नहीं है कि मैं भगवान। ये आप सुनी चुके हैं सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव के वर्णन में ब्रजरस के विषय में। तो ये ब्रजरस सर्वश्रेष्ठ है, सबे सरस रस द्वारिका मथुरा अरु ब्रज माही राधे राधे मधुर मधुर तर मधुर तम रस ब्रज रस समनाही राधे राधे। भक्ति शतक, द्वारिका का रस मधुर, बैकुंठ में तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, वहां रस वैलक्षण्य नहीं है, द्वारिका में रस है, तो द्वारिका का रस मधुर, मथुरा का रस मधुर तर, मधुर से भी मधुर, और ब्रज का रस मधुर तम सर्वाधिक मधुर, प्योर माधुर्य है जहां पर। लेकिन इस ब्रज रस में भी अनेक सेक्शन है, ब्रज के रस से भी मधुर वृंदावन का रस, उससे भी मधुर कुंज का रस, उससे भी मधुर निकुंज का रस,
और उससे भी मधुर, सबसे मधुर निभृत निकुंज का रस। लेकिन निभृत निकुंज में कोई जीव नहीं जा सकता कभी भी, कोई महापुरुष भी नहीं जा सकता। देखिए अनंत कोटि महापुरुषों में जो अब तक हुए हैं और आगे भी होंगे अनंत काल तक, तीन क्लासेस महापुरुषों की ऐसी हैं जो टॉप के महापुरुष माने जाते हैं। एक महापुरुष तो वो जो समर्था रति से, यानी निष्काम माधुर्य भाव से भगवान की उपासना करके और एक दिन गोपी प्रेम प्राप्त करके भगवान के लोक में जाते हैं, ये निष्काम माधुर्य भाव के महापुरुष। ये सब महापुरुषों में टॉप के सबसे बड़ा है ना गोपी प्रेम, आपको बताया गया था। और एक वो महापुरुष होते हैं जो सदा से महापुरुष हैं भगवान के लोक में, नित्य सिद्ध महापुरुष लोग। और एक वो होते हैं जो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, भगवान के स्वांश, ये ललिता विशाखा तुंग विद्या चंपक लता इंदुलेखा चित्रा रंगदेवी सुदेवी, ये अष्ट महासखियां श्री राधा की, इनका सबसे ऊंचा स्थान है, भगवान के अपने स्वरूप है ऐसा समझ लीजिए। तो ये तीन जो महापुरुष हैं तीन कोटि के, ये सब महापुरुषों में भी टॉप करने वाले हैं, लेकिन इनमें से भी कोई निभृत निकुंज में नहीं जा सकता। जिसने निष्काम माधुर्य भाव का प्रेम प्राप्त किया है वो भी नहीं जा सकता, उनसे भी ऊंचे जो नित्य सिद्ध जीव शक्ति के अंश भगवान के लोक में अनादिकाल से उनके साथ रहकर उनकी सेवा का अधिकार प्राप्त किए हुए महापुरुष लोग हैं माधुर्य भाव के, वो भी नहीं जा सकते। और उनसे भी ऊंचे जो स्वरूप शक्ति के गवर्नर ललिता विशाखा आदि हैं, ये भी निभृत निकुंज में नहीं जा सकती। निभृत निकुंज में केवल श्री राधा कृष्ण ही रहते हैं बस, और किसी का प्रवेश नहीं। अब उससे नीचे है निकुंज रस, वहां भी कोई जीव नहीं जा सकता। ये जो अष्ट महासखियां मैंने आपको बताई श्री राधा जी की, बस ये रहती हैं वहां पर, और कोई जीव नहीं जा सकता। और उससे नीचे है कुंज रस, उस कुंज रस में समर्था रति वाले सब महापुरुष प्रवेश करते हैं, और आपको भी प्रवेश मिल सकता है यदि आपका गुरु उस क्लास का हो और प्रारंभ से ही आपको निष्काम माधुर्य भाव की शिक्षा देकर उसी प्रकार प्रैक्टिस कराता हो निष्कामता की।